नाउ इट कम्स टू वर्ड्स द यूजेस ऑफ सॉल्ट्स. हमारी बॉडी में सॉल्ट जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ पर्पजेज जो है वो प्ले करते हैं. रोल ऑफ सॉल्ट्स इन ह्यूमन बॉडी. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सॉल्ट्स का ह्यूमन बॉडी में क्या रोल होता है. सॉल्ट्स सोडियम पोटाशियम कैल्शियम मैग्नीशियम एंड आयरन आर नीडेड फॉर नॉर्मल वर्किंग ऑफ आर बॉडी. दे परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस. सोडियम पोटाशियम कैल्शियम मैग्नीशियम एंड आयरन, ये जो सारे मेटल्स हैं इनके जब डिफरेंट सॉल्ट्स बनते हैं वो सारे आपकी ह्यूमन बॉडी की वर्किंग के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं. दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन अवर बॉडी. वन बाई वन करके हम देख लेते हैं कि क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं. सोडियम एंड पोटाशियम सॉल्ट्स आर नीडेड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स एंड नर्वस सिस्टम. आपकी बॉडी में जो सोडियम और पोटाशियम यानी कि एन ए और के जो सॉल्ट्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, दे आर नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स एंड नर्वस सिस्टम. जब तक ये सॉल्ट्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट रहेंगे, आपका जो नर्वस सिस्टम है, आपका स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ये ठीक काम करते रहेंगे. और इसके साथ ये प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं फॉर दोज ऑफ मसल्स. जो मसल्स की मूवमेंट होती है इसके लिए भी आपके पास जो आपके लिए सोडियम और पोटाशियम के सॉल्ट्स होना मस्ट होते हैं. उसके बाद आ जाते हैं सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम आर प्रेजेंट इन बोन्स. आपके जो कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन बोन्स. दैट इज़ वाई कहा जाता है कि कैल्शियम की जो इनटेक है वो अपनी फूड में ज़्यादा से ज़्यादा करें सो दैट आपकी बोन्स सीथ्स वगैरह जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रहें. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ ऑफ बोन्स. बोन को स्ट्रेंथन करने के लिए, बोन्स को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम के सॉल्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं. दी सॉल्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग द हार्ट अटैक. हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए कैल्शियम के सॉल्ट्स जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल. प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.1½H2O इज़ यूज्ड फॉर ब्रोकन लिम्स. जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जब आपकी कोई हड्डी वगैरह टूट जाती है बाजू की या टांग की, तो वहाँ पर आपका एक वाइट कलर का आप कह लें कि बैंडेज कर दी जाती है अराउंड योर बोन. दैट इज़ नोन एज टू बी द प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड इट इज़ अगेन मेड अप ऑफ कैल्शियम. सो कैल्शियम मस्ट सॉर्स ऑफ कैल्शियम आर नीडेड बाय द बोन्स फॉर देयर स्ट्रेंथनिंग. बोन्स को मजबूत बनाने के लिए, उसके अलावा हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए और बोन्स की रिपेयरिंग के लिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जो है वो आपके पास कैल्शियम के सॉल्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं. सी पॉइंट इज दैट पोटाश आलम. पोटाश आलम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पोटाशियम एंड एल्युमिनियम सल्फेट. पोटाशियम एल्युमिनियम सल्फेट इज नोन एज टू बी पोटाश आलम. इट इज़ यूज टू कॉगुलेट द ब्लड कमिंग आउट ऑफ अ वूंड. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर. पोटाश आलम का क्या पर्पज़ है कि ये ब्लड को बहने से रोकता है. कॉगुलेट का मतलब है रोकना, रोक देना जो है वो हम रोक देना की सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं कि कॉगुलेट ब्लड. अगर आपका कोई ज़ख्म हो जाता है, कोई चोट लग जाती है, तो उसमें से ब्लड जो है वो उसको रोका जाता है. आपकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट पोटाशियम पोटाश एलम उसको रोकता है. आपकी ब्लड में ये प्रेजेंट होता है. जहाँ कहीं भी आपको ज़ख्म होता है वहाँ पर आपका ब्लड जो है वो रोकने का काम पोटाश एलम करता है सो दैट आपका एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर. उसके अलावा वाटर को प्योरीफाई करने के लिए भी जो है वो पोटाश एलम को यूज़ किया जाता है. डी पार्ट इज दैट सॉल्ट्स ऑफ आयोडीन आर नीडेड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ थायरॉयड ग्लैंड. दे आर ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर. आपकी गले में जो आपका नेक वाला रीजन आता है, यहाँ पर आपके पास ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, थायरॉयड ग्लैंड्स हम उनको बोलते हैं. दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द लेवल ऑफ आयोडीन इन योर बॉडी. सॉल्ट्स जो है आयोडीन कंटेनिंग सॉल्ट्स, आयोडीन जो है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है फॉर मेंटेनिंग द फंक्शन ऑफ थायरॉयड ग्लैंड. थायरॉयड ग्लैंड जो है वो आपका फंक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन सॉल्ट्स करता है. उसके अलावा ये गॉइटर के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होते हैं, जिसमें आपका नेक के जो मसल ये जो ग्लैंड्स हैं ये फूल जाते हैं एंड दे रिजल्ट इन अ डिजीज दैट इज नोन एज टू बी गॉइटर एंड इट इज़ कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ दीज आयोडीन सॉल्ट्स. सो आयोडीन सॉल्ट्स आर नेसेसरी फॉर फंक्शनिंग ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड्स. उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर आपको दिया हुआ सॉल्ट्स इन सोसाइटी. सोसाइटी के अंदर आपके पास सॉल्ट्स के क्या यूजेस हैं, दैट सोडियम क्लोराइड इंडस्ट्री में आपके पास यूज़ होता है डिफरेंट केमिकल्स बनाने के लिए. फर्टिलाइजर्स इन इंडस्ट्री में आपके पास है अमोनियम सल्फेट एंड अमोनियम नाइट्रेट, डिफरेंट फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज़ होता है. फूड फ्लेवरिंग के लिए सोडियम क्लोराइड यूज़ होता है. मेडिकल यूजेस के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ होता है, कैल्शियम सल्फेट से बना हुआ है. फूड प्रिजर्वेटिव सोडियम नाइट्राइट सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम सिट्रेट, ये आपके पास फूड को प्रिजर्व करने के लिए केमिकल्स यूज़ होते हैं. फोटोग्राफी में आपके पास सिल्वर के सॉल्ट्स यूज़ होते हैं. सो सोसाइटी के अंदर भी सॉल्ट्स बहुत सारे यूजेस रखता है. उसके बाद आता है यूजेस ऑफ सॉल्ट्स इन आवर डेली लाइफ. इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ कॉमन सॉल्ट्स फॉर सीजनिंग द फूड. इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ फूड फ्लेवरिंग. आप जो है वो डेली लाइफ में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हम एक नमक को इस्तेमाल करते हैं, सोडियम क्लोराइड को, जो आपकी फूड को सीजन करने के लिए, फूड का फ्लेवर इन्हांस करने के लिए यूज़ होता है. उसके अलावा एक्ट करता है एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर फिश एंड पिकल्स. उसके अलावा वो फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी आपके पास सोडियम क्लोराइड के सॉल्ट्स हैं वो यूज़ होते हैं. बेकिंग सोडा इज़ यूज फॉर गिविंग सॉफ्टनेस टू ब्रेड एंड केक. बेकिंग सोडा जो आप चीज़ों को जब आपने बेक करना होता है उसके अंदर आप इस बेकिंग सोडा को ऐड करते हैं ब्रेड को सॉफ्ट करने के लिए, और केक को आप कह लें कि फूलने के लिए जो है वो आप बेकिंग सोडा ऐड करते हैं. दैट इज़ अगेन अ सॉल्ट. वॉशिंग सोडा इज़ यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ. वॉशिंग सोडा जो आपको डिटर्जेंट और सर्फ आता है दैट इज़ सोडियम कार्बोनेट, उसको आप यूज़ करते हैं फॉर वॉशिंग द क्लोथ, उसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं. सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट इज़ एन लेक्सेटिव.
सोडियम पोटाशियम ट्राइटरेट इज़ अ लैक्सेटिव, जो आपके डाइजेशन के अंदर आपको हेल्प आउट करता है। आप इसका नाम एज इट इज़ याद रखें। और लैक्सेटिव जो है, वो लैक्सेटिव वो कंपाउंड होते हैं जो आपके जो आपको हेल्प आउट करते हैं इन योर डाइजेशन टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन। नंबर थर्ड है यूजेज ऑफ सॉल्ट इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के अंदर आपका सॉल्ट कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सोडियम क्लोराइड इज यूज फॉर मैनुफेक्चर ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम क्लोराइड बहुत सारी चीज़ें बनाने में यूज़ होता है। किस किस की मैनुफैक्चर में, मैनुफैक्चर का मतलब है बनाना, क्लोरीन को बनाने में, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाने में, कॉस्टिक सोडा बनाने में, कॉस्टिक सोडा है आपके पास सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH, वॉशिंग सोडा बनाने में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने में। सो सोडियम क्लोराइड का एक सॉल्ट बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये सारी चीज़ें आपके पास नीचे लिखी हुई हैं। नंबर सेकंड है सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर एंड फॉर मैनुफैक्चर ऑफ ग्लास एंड सोप। सोडियम कार्बोनेट का जो सॉल्ट है दैट इज़ Na2CO3, इसको हम यूज़ करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ ग्लास एंड सोप। जो आपका ग्लास यूज़ होता है शीशा बनाने के लिए यूज़ होता है, और इसके साथ सोप बनाने के लिए भी सोडियम कार्बोनेट को इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इसको इस्तेमाल किया जाता है फॉर सॉफ्टनिंग द हार्ड वाटर। अगर आपके वाटर के अंदर कोई हार्ड हार्डनेस कॉजिंग कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, उनको रिमूव करने के लिए भी सोडियम कार्बोनेट को यूज़ किया जाता है। नंबर थर्ड है पोटाशियम नाइट्रेट इज़ यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर एंड फायरवर्क्स। इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ फर्टिलाइजर। पोटाशियम नाइट्रेट आपका एक तो फर्टिलाइजर के तौर पर एक्ट करता है टू इन्हांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, एंड नंबर सेकेंड फॉर प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर। गन पाउडर बनाने और फायरवर्क्स बनाने के लिए भी पोटाशियम नाइट्रेट आपका इस्तेमाल होता है। फायरवर्क्स जो आपके पटाखे और गन पाउडर जो बुलेट्स के अंदर पाउडर डाला जाता है उसको हम कहते हैं। नंबर डी पोटाशियम इज़ यूज फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर एंड इन डाइंग ऑफ फ्लोस एंड फॉर टेनिंग हाइट्स। पोटाशियम जो है वो आपके पास यूज़ होता है वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, क्लोथ्स को डाई करने के लिए, और लेदर इंडस्ट्रीज जो आपकी टैनिंग हाइट्स हैं दैट आर द बेसिकली लेदर इंडस्ट्रीज दैट आर यूज फॉर मेकिंग द लेदर। एंड नंबर लास्ट वन इज़ कॉपर सल्फेट इज़ यूज एज अ फंजीसाइड। फंजीसाइड यानी कि फंगस को रिमूव करने के लिए आप कौन सा सॉल्ट यूज़ करते हैं कॉपर सल्फेट का, इन कलीको प्रिंटिंग एंड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कलीको प्रिंटिंग आपके पास है फास्ट कलर डिज़ाइन ऑन कॉटन फैब्रिक्स। आपने कॉटन के ऊपर जब भी फास्ट कोई भी कलर करना है, डिज़ाइन करना है, उसके लिए हम एक प्रिंटिंग यूज़ करते हैं, दैट इज़ द कलीको प्रिंटिंग। और नंबर लास्ट वन इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिस पे एक मेटल को दूसरे मेटल से कोट कर दिया जाता है, तो वहाँ पर भी आप कॉपर सल्फेट को यूज़ करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आप इसको काइंडली रीड करें, सारी आपकी याद करने वाली चीज़ें हैं, अंडरलाइन करते जाएँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, और असाइनमेंट करके मुझे इन टाइम प्रोवाइड कीजिएगा। थैंक यू।